अभी आपने जो किया कार्यक्रम क्या कहेंगे? आज आजादी आंदोलन के समझौता हीन संघर्ष की धारा के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर हमारे जन संगठनों AIDYO, AIDSO, AIMSS और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन की तरफ से सद्भावना मार्च निकाला गया और आज सभा की जा रही है उनकी स्मृति में और नेताजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। CAA जो चल रहा है जिसके बारे में आप क्या कहेंगे? CAA और NRC देश को बांटने वाले सांप्रदायिक अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून है। जनता को इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता को जरूरत है आज रोजगार देने की, महंगाई कम करने की, महिलाओं की जो इज्जत आबरू पर हमले हो रहे उनकी रोकथाम करने की, किसान आत्महत्याओं को रोकने की, मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरी दिलाने की। उसके बजाय इन जनजीवन की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नकली मुद्दों को खड़ा करके और अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा रहा है। सरकार जानबूझ के जैसे नोटबंदी में लाइनों में लगाए थे लोग, इस तरह से लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए लाइनों में लगाने की बात है। इसमें 1600 करोड़ रुपए खर्च करके असम में NRC कराया गया, उसमें 19 लाख लोग विदेशी बताए गए। यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति फखरुल अली अहमद का परिवार और जो कारगिल युद्ध के लेफ्टिनेंट और दूसरे जो सेना के बड़े बड़े अफसर भी इस देश के कहते नागरिक नहीं हो, तो जो जनता वोट डालती है, जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें कहा गया है कि वोटर वही हो सकता है जो देश का नागरिक है। तो जो वोटर कार्ड है, उनका आधार कार्ड है, उनका जो राशन कार्ड है, उनका दूसरे और जो सर्टिफिकेट है स्कूल के, वो ना मान के और इस देश में ये क्या है कि 71 से पहले के दस्तावेज उनके पास, 71 साल पहले के दस्तावेज लोगों के पास, गरीबों के पास, बाढ़ पीड़ितों के पास कहाँ मिलेंगे? ये लोगों को काम का परेशान करने के कानून।